साई, साई, मेरी क्या गलती है? क्या पाप किए हैं मैंने कि इतना परेशान हो रहा हूं? सारे दुख मुझ पर ही क्यों टूट रहे हैं साई? केवल सबके जीवन में सुख और दुख आते हैं। जब दुख आते हैं तो हम सोचते हैं कि सारे के सारे दुख हमें ही मिल रहे हैं, कारण समझ नहीं आता। लेकिन जब इंसान खुश होता है तो ये नहीं सोचता कि मुझे इतनी खुशियां क्यों मिल रही हैं, सोचता है कितने इंसान ऐसे हैं जो तकलीफ में ईश्वर से सवाल पूछते हैं, ईश्वर पे सवाल उठाते हैं, दुख से बाहर निकलने के लिए ध्यान जब तब सब करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर के प्रति आभार भी व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वो अपने ही सुख में खोए होते हैं। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अरे आइए आइए पंडित जी आइए। रामकिशन जी, मंदिर में दिवाली पूजा है, उसके लिए मिठाई दे दीजिए, भोग लगाना है। अरे पंडित जी को पहले मिठाई देना। त्योहार के कारण बिक्री अधिक होगी तो आपको काम भी बहुत होता होगा। इसीलिए तो हर काम के लिए लड़के रखे हैं। लेकिन पहले आप हमेशा महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए खुद अपने हाथों से रबड़ी बनाते थे और महालक्ष्मी जी को प्रसाद चढ़ाते थे, उन्हीं की कृपा से आप इतने बड़े हलवाई बने हैं। अब कभी क्यों नहीं खुद अपने हाथों से मिठाई बनाते? पंडित जी, अब मैं हलवाई नहीं, मिठाई की दुकान का मालिक हूं। ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करता। लेकिन लोगों को आपके हाथ की मिठाई पसंद है और भगवान को भी। अगर अच्छी लगती तो भगवान मुझे ऐसा मनहूस बेटा नहीं देता। जब से आया है पूरा ही बुरा हो रहा है, जी करता है उसे उठा के घर से बाहर फेंक दूं। उसके होते हुए अगर मिठाई बनाऊंगा ना तो वो भी खराब ही बनेगी। राम के देखिए पंडित जी, आपको भोग के लिए मिठाई चाहिए कि आपसे और बातें नहीं कर सकता, आपके पीछे और भी ग्राहक खड़े हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। तू औरों को मिठाई दे। अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मिठाई तो लेते जाइए। कितना इंतजार कर रहे हैं आपके मिठाई के लिए, एक आदमी रखा है आपने। आपसे तो ये भी नहीं होता कि जब ज्यादा ग्राहक हो तो खुद मिठाई दे दे? रहने दीजिए, हम कहीं दूसरी जगह से ले लेंगे। इससे बेटे का जिक्र किया, ग्राहक चले गए, पनौती कहीं का। केवल मैं अकेले में कुछ बात कर सकता हूं? आइए। कब तक यूं दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? साईं बाबा का सम्मान मैं भी करता हूं, लेकिन वो बहुत सीधे साधे हैं और अब बूढ़े हो चुके हैं। वो आज के जमाने के लोगों को और उनकी हसरतों को नहीं समझेंगे। मिट्टी से जुड़े साईं बाबा आकाश में उड़ान की उम्मीद रखने वाले का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन प्रेम सेना तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सेवा में हमेशा तैनात रहेगी।
प्रेम सेना तुम्हारी बुनियादी जरूरतों से तुम्हें इतना निश्चिंत कर देगी कि तुम अपने सपनों की उड़ान आजादी से उड़ सकोगे। केवल तुम यहां मील में काम करने या गोपीनाथ भाऊ का घर बनाने के लिए नहीं बने हो, तुम किसी खास काम के लिए बने हो, और वो खास काम मैं तुमसे कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इतने सक्षम बन जाओ कि तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। क्या तुम अपनी रोजमर्रा की दिक्कतों से निजात नहीं पाना चाहते हो? क्या तुम अपने आई बाबा को सभी सुख सुविधा नहीं देना चाहते हो? आगे बढ़ो और गले लगो हमारे। कल प्रेम सेना में तुम्हारा भव्य स्वागत होगा। हमें इंतजार रहेगा तुम्हारा। साईं, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछ सकता हूं? अपने बेटे से बिछड़े हुए पिता के मन में केवल एक ही सवाल आ सकता है, मैं अपने बेटे से कब मिलूंगा, है ना? मैं इंतजार करूंगा साईं, बस सिर्फ इतना बता दीजिए कब तक। रामकृष्ण जी, जब जीवन में कोई मुश्किल आए तब याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। आपने जो सीखना था सीख लिया, अब आपकी मुश्किलें भी दूर होंगी। सच जानते हैं रामकृष्ण जी, जो रबड़ी आज आपने भोग में चढ़ाई है वो आपके बेटे तक पहुंच चुकी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.